नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। दोस्तों, जब भी आपको आँखों में जलन, आँखों का गड़ना या आँखों का लाल होना, आँखों में खुजली होना, आँखों में धूल कर जाना, या अगर आपके कानों में इन्फेक्शन, कानों में खुजली होना, कानों में दर्द होना, ऐसी समस्याएँ होती है तो आप सीधे मेडिसिन शॉप या किसी झोला छाप डॉक्टर से जाकर दवाई ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं जाने में, तो इसलिए आप बाज़ार जाके दवाई ले लेते हैं। आपको मालूम नहीं रहता कि इन सब समस्याओं के लिए कौन सा मेडिसिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक बेस्ट आई ईयर ड्रॉप्स के बारे में बताएंगे, जो इन सभी समस्याओं के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और ये ड्रॉप काफ़ी सस्ती भी मिलती है, मात्र 20 रुपये में आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। कोई मेडिसिन शॉप वाला इसे देना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें काफ़ी कम फायदे होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट सस्ती होने के बाद इसका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है दोस्तों। तो आज हम उसी ड्रॉप्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिप्लॉक्स डी आई ईयर ड्रॉप्स के बारे में। इस ड्रॉप का इस्तेमाल आप आँख और कानों दोनों के इन्फेक्शन में कर सकते हैं। सिप्लॉक्स डी ड्रॉप सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। सिप्ला भारत के टॉप 10 कंपनियों में आती है और इसकी सभी दवाओं का रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। सिप्ला एक ब्रांड कंपनी है। सिप्लॉक्स डी ड्रॉप्स की MRP की बात करें दोस्तों, तो 21.95 रुपये इस समय आपको 20 रुपये में आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। कुछ दिन पहले इसकी MRP मात्र 18 रुपये थी, अभी 3 रुपये बढ़ाया है, फिर भी आपको 20 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये काफ़ी सस्ती भी है। जबकि आप इस कंपोजिशन की दूसरी कंपनी के ड्रॉप्स लेते हैं तो उनकी MRP लगभग आपको 50 से ऊपर 100 के आसपास पड़ जाती है। कोई भी ड्रॉप्स इस कंपोजिशन के लेंगे तो आपको 50-100 के बीच में पड़ेगी, जबकि ये मात्र आपको 20 रुपये में पड़ जाएगी, इसलिए काफ़ी सस्ती है। इसीलिए अधिकतर झोला छाप डॉक्टर या मेडिकल शॉप वाले आपको इस ड्रॉप्स को नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें काफ़ी कम फायदे होते हैं। सिप्लॉक्स डी के कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% और डेक्सामेथासोन 0.1% और क्लोराइड 0.01% पाया जाता है। नॉर्मल इस कंपोजिशन का आप ड्रॉप्स लेंगे तो आपको 50-100 के ऊपर भी पड़ेगा। अगर सिप्लॉक्स डी के दोस्तों कुछ मुख्य फायदे की बात करें, तो जैसे आँखों में संक्रमण, आँखों में जलन, आँखों में लालिमा होना, आँखों में सूजन, बैक्टीरियल संक्रमण या साइनोसाइटिस में भी ये काफ़ी बेस्ट काम करता है। इसके अलावा, ये अगर आपके कान में संक्रमण होता है, कान में खुजली होता है, कान में दर्द होता है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आई या दोनों ड्रॉप्स ही दोनों में काफ़ी बेस्ट प्रकार काम करता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो काफ़ी तेज़ी से काम करता है और आपके आँखों कानों को तुरंत सही करता है। अधिकतर देखा जाता है कि कभी कभी हमारी आँखें लाल हो जाती है, आँखें गड़ती हैं या धूल कर चले जाते हैं, तो हम डायरेक्ट जाके मेडिकल शॉप या किसी झोला छाप डॉक्टर से दवा लेते हैं, तो उस समय आप सिप्लॉक्स डी ले, आपको 1-2 दिन में काफ़ी तेज़ी से आराम मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों सिप्लॉक्स डी के साइड इफेक्ट के बारे में, क्योंकि कोई भी एलोपैथिक है कभी ना कभी कुछ साइड इफेक्ट, अगर आपको ये एलर्जी करता है तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे एलर्जी, कब्ज, दस्त, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, लाल चकते, मुँह सूखना। अगर ऐसे साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आप तुरंत मेडिसिन को बंद कर दें, एक बार डॉक्टर चला लें। ऐसे दोस्तों साइड इफेक्ट देखने को मिलते नहीं है, काफ़ी कम, 100 में 1%, 99% नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ऐसे तो आप इस्तेमाल करेंगे नहीं। जब आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम होगा, लालिमा होगा या गड़ेगा, तभी आप इस्तेमाल करें, नॉर्मल तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो जब परेशानी होगा तब इस्तेमाल करेंगे, तो समय लगभग 99% अगर आपको साइड इफेक्ट देखने तो नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और आपकी आँखों में दिक्कत ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नॉर्मल सिप्लॉक्स डी का लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग दवाओं का सामान्य जानकारी के लिए ही बताते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारी सलाह पर आप इस्तेमाल करेंगे, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।